नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारी एक नई सीरीज है जिसका नाम है INA, इंस्टेंट न्यूज एनालिसिस। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल का डिस्कशन करते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। तो चलिए, आज का जो आर्टिकल है उसे शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड इज नाउ इन रिसेशन। ये IMF के द्वारा कहा गया, और IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। क्लियर? सो फ्रेंड, ये जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है किससे? इकोनॉमी से। और इकोनॉमी किस में आता है? GS3 में। क्लियर है फ्रेंड्स? रिसेशन का क्या मतलब है? मंदी, है ना? सो मंदी कैसे आती है? जब पूरे वर्ल्ड में जो डिमांड है वो घट जाएगी, जीडीपी गिर जाएगी, और उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो एक मंदी का दौर होगा जो कि इससे पहले कब आया था? 2009 में। क्लियर? सो फ्रेंड, यहाँ पे अब मंदी का दौर क्यों है, वर्ल्ड के अंदर मंदी क्यों आने वाली है या फिर आ चुकी है, ये IMF के द्वारा कहा गया है। इसका कारण है COVID-19, कोरोना वायरस डिजीज 2019। सो फ्रेंड, न्यूज इज इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ COVID-19 पेंडेमिक। क्लियर? सो अब देखिए, रिसेशन क्या है फ्रेंड्स? रिसेशन इज ए बिजनेस साइकिल, रिसेशन इज ए बिजनेस साइकिल कॉन्ट्रैक्शन व्हेन देर इज ए जनरल डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन हो गई, है ना? एंड रिसेशन जनरली कब होता है फ्रेंड्स? रिसेशन जनरली अकर व्हेन देर इज ए वाइड स्प्रेड ड्रॉप इन स्पेंडिंग, और यू कैन से डिमांड घट जाए, है ना? डिमांड घट जाए या फिर जो स्पेंडिंग है, जो खर्चा है, मतलब लोग खर्च करना कम कर दें, है ना? तो इससे क्या होगा? मंदी आ जाएगी। या फिर एक कंसेप्ट और ले सकते हैं कि दो कंजिक्यूटिव क्वार्टर के अंदर इकोनॉमी डिक्लाइन हो, जिसका क्या मतलब है? जो जीडीपी है वो गिर जाए, है ना? सो जीडीपी के साथ साथ एक और इंडिकेटर है इसका, क्या? अनएम्प्लॉयमेंट, वो इंक्रीज हो जाए, है ना? जीडीपी गिरेगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, लोगों की डिमांड कम होगी, स्पेंडिंग कम होगी, और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी डिक्लाइन हो जाएगी, जिससे क्या होगा? रिसेशन इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? सो फ्रेंड, द IMF चीफ हैज स्टेटेड दैट COVID-19 पेंडेमिक हैज ड्रिवन द ग्लोबल इकोनॉमिक इनटू ए रिसेशन, एंड देर आर कंसर्न दैट दिस रिसेशन माइट बी वर्स देन वन इन 2009 एंड फॉलोइंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। क्लियर फ्रेंड्स? अब ठीक है, रिसेशन आएगा, किसकी वजह से आएगा? COVID-19 की वजह से। लेकिन अब इसका कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या कुछ हो सकता है और कितना अमाउंट चाहिए होगा एक, मतलब दोबारा से ग्रो करने के लिए कहाँ से फंडिंग होगी? सो द टर्म कॉल्ड मैसिव फंडिंग। सो फ्रेंड, मैसिव फंडिंग इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू कोहेशन द वर्ल्ड्स इकोनॉमी अगेंस्ट एन एब्रप्ट ड्रॉप इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड फ्रेंड्स, द नीड फॉर फंडिंग इज मोर सो इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपिंग नेशन। डेवलपिंग नेशन लाइक एज इंडिया, है ना? और मतलब एशिया के सारे, लगभग लगभग, चाइना को छोड़ दीजिए, वो डेवलप्ड है। ओके? सो फ्रेंड, दिस फंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपिंग नेशन विच नीड मैसिव फंडिंग टू ओवरकम दिस रिसेशन। ओके? एंड फ्रेंड्स, द ओवरऑल फाइनेंशियल नीड ऑफ इमर्जिंग मार्केट इज अराउंड 2.5 trillion US dollar। क्लियर? द ओवरऑल फाइनेंशियल नीड ऑफ इमर्जिंग मार्केट इज अराउंड 2.5 trillion US dollar। क्लियर? सो
सो फ्रेंड ये एक आप कुछ मेजर्स हैं, मतलब जो पॉइंट उठाए जा सकते हैं, जो कदम उठाए जा सकते हैं जिससे इसको थोड़ा बहुत कवर अप किया जा सकता है ना। सो अब बात ये आती है कि कंसर्न क्या है। फ्रेंड्स इमर्जिंग इकोनॉमीज सफर्ड एज एक्सोड्यूस ऑफ कैपिटल ऑफ मोर देन 83 बिलियन यूएस डॉलर इन द रिसेंट वीक एट्रिब्यूटेबल टू फियर ऑफ द कोविड 19 पेंडेमिक एंड मेनी ऑफ दीज कंट्री हैव हाई डेब्ट लोड। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं ये सारा कुछ हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। एंड फ्रेंड्स ओवर 80 कंट्रीज मोस्टली विद लो इनकम हैव ऑलरेडी रिक्वेस्ट इमरजेंसी एड फ्रॉम IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो कि लोन देता है किसी भी कंट्री को, है ना। एंड फ्रेंड्स दिस मेक्स इट्स क्लियर दैट डोमेस्टिक रिसोर्सेज वुड बी इनसफिशियंट एंड देयर वुड बी नीड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस। However, the global impact of the pandemic limits the possibility of such an intervention. Clear? So friend, यहाँ पे जो recession है वो क्या होता है, अहम point क्या हो सकता है, यानी कि क्या कदम उठाने चाहिए, है ना, IMF क्या होता है और COVID-19 का क्या असर पड़ा global market पे, वो हमने इस लेसन के अंदर जाना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।